क्या हर IVF साइकिल से पहले हिस्ट्रोस्कोपी करना जरूरी है? देखिए, हिस्ट्रोस्कोपी वो टेस्ट होता है जिससे हम एक कैमरा के ऊपर माउंटेड इंस्ट्रूमेंट को नेचुरल ओपनिंग से इंसर्ट करते हैं, बेहोशी या फिर ऑफिस प्रोसीजर में, और गर्भाशय के अंदर की परत को, आकार प्रकार को देखते हैं। इसे देखने के और बहुत सारे तरीके हैं जो इतने डायरेक्ट नहीं है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। और अल्ट्रासाउंड में भी अगर हम इम्प्रोवाइजेशन की बात करें तो 3D अल्ट्रासाउंड और MRI। वह महिला जिनके अंदर कोई भी गर्भाशय का किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, जैसे कि रसौली हो गई, जैसे कि परत अच्छी नहीं बन रही है, जैसे कोई पॉलिप है, कुछ भी ऐसी अगर समस्या होती है, उस केस में हिस्ट्रोस्कोपी जरूर करनी चाहिए। ना कि सिर्फ समस्या को आइडेंटिफाई करने के लिए, पर साथ ही साथ उसे करेक्ट करने के लिए भी। यदि हम ऐसा करते हैं तो IVF के सक्सेस रेट बेहतर हो जाते हैं। पर वो सभी महिलाएं जिनकी परत अच्छे से बन जाती है, 2D अल्ट्रासाउंड या 3D अल्ट्रासाउंड द्वारा इवेल्युएशन पे हमें उनका कैरेक्टर, उनकी डेप्थ लाइनिंग की और उनके ब्लड फ्लोस, यानी परत का जो साइज होना चाहिए वो 7 to 8 mm से ज्यादा होना चाहिए, ट्रिपल लेयर होना चाहिए और ब्लड फ्लोज जो है वो Zone 3, Zone 4 तक होने चाहिए। यदि ऐसा हम ला पाते हैं मेडिसिन की वजह से और इसे 2D अल्ट्रासाउंड पे इवेल्युएट कर पाते हैं, तो हर केस को IVF से पहले, एम्ब्रियो ट्रांसफर से पहले हिस्ट्रोस्कोपी की जरूरत नहीं है। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनकी मात्रा बहुत कम होती है, उनमें ऐसा देखा गया है अगर IVF के फेलियर्स हो रहे हैं तो हिस्ट्रोस्कोपी एक अच्छा डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें हम हिस्ट्रोस्कोपी से कोई ऐसी समस्या जो अल्ट्रासाउंड पर विजिबल नहीं थी, या फिर एक सिर्फ स्क्रैच करके, जिसमें हम हिस्ट्रोस्कोपी में बायोप्सी लेते हैं, उससे अंदर पड़े हुए स्टेम सेल्स को इंजरी से बेटर लाइनिंग नेक्स्ट साइकिल में बनाने में हेल्प कर सकते हैं और IVF के सक्सेस रेट को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें तो हिस्ट्रोस्कोपी सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में अच्छी रहती है जिनके अंदर, यदि यूट्रस में, गर्भाशय में किसी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी है, पॉलिप, रसौली या पतली परत या किसी तरह के एडेशंस जो ऑलरेडी अल्ट्रासाउंड में विजिबल हैं वो, या फिर वो महिलाएं जिनके IVF फेल हो चुके हैं, उनके अंदर हिस्ट्रोस्कोपी करना बेहतर रहता है IVF ट्रांसफर से पहले।